ये ज़िंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता सिंह। आज की कहानी में हम जानेंगे कि बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे आसानी से दूर हो जाती हैं। आइए समझते हैं। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। कामयाबी तभी मिलती है जब समस्या की जड़ को समझ लिया जाए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हर समस्या हल हो सकती है। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं, लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। गुरु ने बकरी की रस्सी शिष्य के हाथ में पकड़ा दी। बकरी किसी से भी आसानी से काबू में नहीं आती थी। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। तब शिष्य ने चतुरता से उसे पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया। गुरु ये सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हुए। गुरु ने कहा कि ठीक इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से हल हो सकती है। यही सफलता का मूल मंत्र है। इस कथा का सार यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बुद्धिमानी से ही काम करना चाहिए। धैर्य बनाए रखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। सबसे पहले समस्या की जड़ को समझें और फिर उसे हल करने की योजना बताएं। तभी सफलता मिल सकती है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हम और भी धार्मिक कहानियों के जरिए प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक और ज़रूरी बात, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।